2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। प्रधानमंत्री मोदी का एक और वीडियो हुआ वायरल, भाजपा में मचा हड़कंप, जहां एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के दौरान मोदी पर जमकर बरसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अपनी विदेश यात्रा पर जाने से पहले हाल ही में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तीखा हमला बोला था। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बावजूद मोदी सरकार अपने कई वादे पूरे नहीं कर पाई है। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस ने 9 साल को नाकामी के 9 साल बताते हुए मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं, लेकिन अब ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें वह देश की जनता से बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, साल 2022 तक सबके पास पक्का घर होगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, कांग्रेस सरकार की तरह नहीं, प्रधानमंत्री जब आवास योजना करता है तो पक्का घर, घर पर छत, घर में नल और नल में जल, एलईडी बल्ब, शौचालय, गैस सिलेंडर जैसी सभी सुविधाएं होंगी। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। पक्का घर नहीं होगा, और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी चार दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ये वादा साल 2018 में किया था और अब साल 2023 चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो वहीं इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया, साल 2022 तक सबको पक्का घर देने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, साल गुजर गया, वादा भी हर वादे की तरह जुल्मा ही साबित हुआ। मोदी सरकार के 9 साल फरेब, धोखे और अधूरे ख्वाबे की तरह है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, ये अनपढ़ पीएम है ना, जिसने 15 लाख देने का, साल 2023 तक सबको पक्का घर देने का, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का झूठा वायदा बड़ी बेशर्मी से किया था। तो वहीं अमित सिंह ने लिखा, पहले ये बताए कि साल 2022 तक का जो लक्ष्य आपने दिया था वह कहां तक पूरा हुआ। 2022 तक सबको पक्का घर, घर में नल और नल में जल, ये कहां तक पूरा हुआ, या हर साल 2 करोड़ रोजगार, ये पूरा हुआ कि नहीं, महंगाई काबू में है क्या। मनोज सिंह यादव ने लिखा, हौसला बढ़ाने के लिए चाहे 10-20 टन झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का घर, किसानों की आय दुगनी, 15 अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन, हर साल 2 करोड़ रोजगार, विश्व गुरु, ये सब भी मनोबल ही की बढ़ाने की तरह है। क्यों ना पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की जगह मनोबल मंत्री। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होती हुई नजर आती है। इसके कारण ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे वीडियो शेयर करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देख आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।